प्रेम, भाईचारे और त्याग का प्रतीक बकरीद का पर्व रविवार को मुस्लिम भाइयों द्वारा मनाया जाएगा। ईद उल अजहा के दिन सुबह मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचेंगे, जहां पर सामूहिक रूप से बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। नमाज के दौरान खुदा के सजदे में सिर झुकाकर देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी। इसके बाद नमाजियों द्वारा एक दूसरे के गले लगकर बकरीद की मुबारकबाद दी जाएगी। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज की कुर्बानी जाएगी। मुस्लिम समाज के लोग बाजारों की दुकानों में मोल भाव करते नजर आए। कोई कपड़े खरीदने में व्यस्त दिखा तो कोई बकरे की खरीदारी करते नजर आया। इस दौरान कुर्ते पायजामे की दुकानों पर खासी रौनक रही। इसके चलते बाजारों में खरीद फरोख्त को लेकर भीड़ लगी रही। ईद उल अजहा बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी का बाजार गर्म हो गया है। वही करेली में सुल्तान नाम के बकरे का दाम 1,00,000 रुपए तक लग गया था, जिसको रसूलपुर के एक आदमी ने इस बकरे को खरीदा। इसको खरीदने के लिए युवक ने दिल्ली के बकरे के बाजार से लाया। वही हटिया में भी फिल्मी नाम के बकरे बिक रहे हैं। किसी का नाम सलमान बताया जा रहा है, लेकिन दाम अधिक होने से बकरे ज्यादा बिक नहीं पा रहे हैं। बकरे का बाजार शहर के करेली, हटिया, सब्जी मंडी चौक, नखास कोहना, नूरुल्ला रोड, अटाला में सजा है। कोरोना के चलते बाजार में बकरों की खेप बाहर से कम आई है, इसलिए कीमतों में उछाल है। जानकारों ने बताया कि कुर्बानी के जानवरों की कीमत पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा है। मध्यम वर्गीय परिवार भी कुर्बानी के लिए बकरा लेने जा रहा तो उसे कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कई खरीदार बकरे के लिए गांव का भी रुख किए हैं। कल ईद उल जुहा है और बकरों की कुर्बानी होगी और तमाम छोटे बड़े जानवरों पर और कुर्बानी होगी। जितने भी लोग जिनकी है जितनी हैसियत है उस हिसाब से वो लोग कुर्बानी करते हैं। और इस समय मार्केट के अंदर महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उसका ज़्यादा असर देखा जा रहा है। जो आदमी पहले 3-4 जानवरों की कुर्बानी कराते थे, अब वो महंगाई की वजह से और एक जानवर पे कुर्बानी करा रहे हैं। और जो कि पिछले साल जो बकरे 10,000 की मिल जाते थे, अब इस समय वो मिल रहे 15,000, 18,000, 20,000। और मार्केट में इससे महंगे महंगे भी बकरे हैं, लेकिन बकरे जो है हर आदमी, हर मुसलमान, हर मोमिन को जो है फ़र्ज़ है, जो माल हैसियत है उसको वो कुर्बानी कराएगा, उसको पर फ़र्ज़ है। और जिस तरीके से पूरे मार्केट के अंदर आमतौर से देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर जो है कुर्बानियां जो हैं काफ़ी बकरे काफ़ी हैं और दूसरी चीज़ कल उसके बाद वो कुर्बानियां होंगी और तमाम गरीबों में वो बांटा जाएगा। ये हमारी पुरानी हजारों साल से जो है परंपरा है, हम लोग मनाते हैं शांति से, सद्भाव से, प्रेम से, यही हमारी परंपरा है। और ये त्यौहार एक ऐसा है कि जिसमें जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जब आते हैं तो त्यौहार का मतलब होता है एक दूसरे को समझने का, प्रेम का, सद्भाव का। और ये त्यौहार संदेश देता है अपने अंदर बुराई को ख़त्म करने का, जो भी बुराई है उसको त्याग कीजिए और इंसानियत के लिए, प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए काम कीजिए।